तो फ्रेंड्स द एवेंजर्स मूवी में आपने देखा होगा कि लोकी अपने सेप्टर के मदद से दूसरों के माइंड को कंट्रोल करता है, लेकिन जब वह आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क के ऊपर सेप्टर का यूज करता है तो वह काम क्यों नहीं करता। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो देखो इसके मेन दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि आर्क रिएक्टर में जो एलिमेंट है वो टेसरेक क्यूब से डिराइट है और टेसरेक एक इन्फिनिटी स्टोन है और लोकी के सेप्टर में माइंड स्टोन है। का असर टोनी पर नहीं होता क्योंकि आयरन मैन 2 में जब टोनी स्टार्क मर रहा होता है तब वह अपने डैड के पुराने नोट्स और वीडियोस के जरिए एलिमेंट का इजहार करता है जो कि ना सिर्फ उसकी जान बचाता है पर उसे और भी पावरफुल बना देता है। दूसरा रीजन ये है कि उतना दमदार तो नहीं है बट नोटिस करने वाली बात की लोकी ने सेप्टर आर्क रिएक्टर पर टच किया था, ना कि औरों की तरह डायरेक्ट बॉडी पर जैसे उसने मूवी के शुरुआत में किया था हॉकाई और बाकियों के साथ। ये भी हो सकता है कि सेप्टर तभी काम करता हो जब डायरेक्ट बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाया जाए, इसलिए सेप्टर टोनी स्टार पर वो काम नहीं किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाए। इस वीडियो का लाइक का एम रखते हैं 30 लाइक्स। आई होप आप कम्प्लीट करा दोगे। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।